अस्सलामुअलैकुम एंड टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सुहाना का सफ़र। तो आज है जुमे का दिन और आज ही हम वेस्ट बंगाल के लिए निकलने वाले हैं। अंजुम शिवानी, हम साथ में ही कोलकाता जा रहे हैं। मतलब किस्मत देखिए आप कि अल्लाह ने हमको साथ में ही भेजा। शादी के 5 दिन पहले दुल्हन शादी में जा रही है, तो बस यहाँ पे सारे बैग्स है ये देख, और बस हम लोग शाम को निकलेंगे। मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा दूँगी हमारी जर्नी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आगे, तब तक लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सो आई एम रेडी। पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही है, बहुत नर्वसनेस हो रही है, पता नहीं क्यों। हर बार होता है ऐसा जब भी जाओ कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो अंजुम आ चुकी है, सब कुछ अच्छा होगा, समझदारी से हैंडल करना। रट पट जवाब नहीं देना, ससुराल की एक खेल है ये, रट पट नहीं, समझदारी से जी। उन्हें बोले भी तो हाँ पहले रही है। ले तो देख के इसको, अरे पहले नहीं पाएंगे। घी वाला लगा, माजी घी वाला दिया लगा मैं। अब रो मत देना, अब ये देखो शादी हो रही है भाई तेरी, इतने दिन का इंतजार पूरा। के पास जा रही है, क्यों रो रही है? फोन ऑन करना रे, सबे ने रे। अरे इतने दिन का साथ है बेटा, सुहाना पगली। अरे फोन में बात करना भी है, कॉलेज में पता है मैं रोते चुप। हर आदमी के जीवन में आता है, पागल है क्या? खुश रहो, बढ़िया। अरे ये तो सब चलते रहता है तो गाइस यहाँ मैं निकल चुकी हूँ स्टेशन के लिए। अभी मैं ऑटो में हूँ इसलिए आपको अंधेरा दिख रहा होगा, और मैं भाईजान के साथ आ रही हूँ सारे लगेज के साथ। मैं स्टेशन पहुँच रही हूँ एंड शिवा और अंजुम वो सेपरेटली आ रहे हैं स्कूटी में, तो अब हम सब वहीं पे मिलेंगे। तो ये है मेरा सारा लगेज, इसमें सिर्फ और सिर्फ कपड़े, मेरे हेयर केयर प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी कुछ है सब कुछ इसी बैग में है। इसलिए इतने सारा हो गया, और स्टेशन में हम लोग अब पहुंच चुके हैं। और मुझे एक्चुअली कुली की अनाउंसमेंट करनी है, तो मैं बस वही जा रही हूँ। तो ये तीन बंदर पहुंच चुके हैं स्टेशन अपने सामान के साथ, और यहाँ पर हमने सारा लगेज कैरी करवा लिया है, और बस अब हम निकलेंगे। और क्या, आप डांस कर लो थोड़ा सा। यहाँ पे शिवा की तरफ से हम दोनों के लिए, एक्चुअली हम तीनों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट और एक प्यारा सा। मेरा हाथ अच्छे तो यहाँ स्टेशन में बैठे बैठे हमारा मुंह चलना स्टार्ट हो गया है, इतने चटोरे हैं कहीं नहीं रुक पाते हैं, खाना तो है ही हमें कुछ ना कुछ। और लेट हो चुकी है हमारी ट्रेन पूरे 1.5 घंटा, और हम बस वेट कर रहे हैं, सिर्फ वेट और वेट। हुआ ये कि 2 से 3 बार हम उठे अपनी सीट से ट्रेन के लिए, और हमें पता चला वो हमारी ट्रेन है ही नहीं, और फाइनली अब हम हमारी ट्रेन आ चुकी है, और अब बस हम उठने वाले हैं ट्रेन में। तो वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, हमारी 3 टिकट कंफर्म हुई और 2 RSC, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है बैठने में।
गाइस एक ही सीट में हम दो दो लोग जैसे तैसे सोए हैं, रात गुजारी है, अब बस सुबह हो गई, अब बस नाश्ता करना है और हमें पहुंचना है जल्दी घर और आराम करना है, बहुत ज़्यादा थक चुकी है। मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो हमारी जर्नी रही है ना वेस्ट बंगाल तक आने की मेरी शादी के लिए, ये एक तरीके से हमारा ड्रीम कम ट्रू हो गया। हमारी पहले बहुत इच्छा थी कि हम साथ में कहीं ट्रैवल करें, बहुत मस्ती करें, बट ये हो नहीं पाता था, मेरे घर से मुझे अलाउ नहीं करते थे, बट मतलब कहीं दूर जाने के लिए। सो अब ये सपना भी हमारा पूरा हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। अरे मैं वो करूंगी ना, एडिट करूंगी ना पागल औरत, अच्छा वाला करना ऐसे नहीं। तो यहाँ हम जैसे तैसे खड़गपुर पहुँच गए और यहाँ पे हम लोकल ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं। तब तक मेरे पापा और भाईजन का एज ऑलवेज पान खाना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे बस बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, बूंदे में बहुत ठंडी थी और ये मेरे बेचारे कूली लोग मेरे बैग्स कैरी कर रहे हैं। बहुत सामान हो गया एक्चुअली हम लोगों के हिसाब से, तो बस अब लोकल ट्रेन आएंगी और फिर हम उसमें बैठ जाएंगे। इतनी भीड़ है लोकल ट्रेन के लिए, मतलब मेरे को डर लग रहा था लिटरली कि कैसे क्या बैठेंगे, बट हमें जगह मिल गई और यहाँ पे हमारा मुँह चलना स्टार्ट। घुगनी और जो चना मसाला होता है ना वो हम लोगों ने लिया था, इन दोनों के लिए थोड़ा नया था घुगनी। तो बस अब हम बैठ चुके हैं, बस पांचकुड़ा हम लोग को उतरना था तो हम वहाँ उतर के, एक्चुअली ये पांचकुड़ा ही है, यहाँ हम उतर चुके हैं और अब हमें यहाँ पे ये हुई कि हमें कोई कूली नहीं मिला है, तो अब हमें खुद ही ये सारा सामान कैरी करना है जैसे तैसे। तो बस वही कर रहे हैं सब लोग, बहुत सारे लगेजेस लेकर चल रहे हैं और बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी और यहाँ पे अब हमने गाड़ी रिजर्व की थी तो वहाँ पे बस वही वेट कर रहे थे गाड़ी आने का और यहाँ पे सारे लगेजेस हमारी गाड़ी हो चुकी है, बस जो सामान है वो कैरी करना है और यहाँ पे जो नारियल पानी होता है वो पी ले। अब कोलकाता है, बस बंगाल आए और नारियल पानी ना पिए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अंजुम को एक्चुअली बहुत पसंद है, उसे बहुत पसंद है नारियल पानी, तो उसने बहुत सारे पिए और यहाँ पे बस पानी वगैरह पिए और इसके अंदर जो एक मलाई होती है ना वो एकदम नर्म वाला जो नारियल होता है वो होता है इसमें, तो बस मैं वही खा रही थी। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, मतलब पानी से ज़्यादा मुझे ये पसंद है। तो बस हम गाड़ी में बैठ चुके थे और यहाँ पे अब हम घर पहुँचने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ। तो यहाँ पे हुआ ये कि रोड में कंस्ट्रक्शन चल रहा था और बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी, तो हमने इस तरीके से स्कार्फ ओढ़ लिया था और जो कि बहुत ज़्यादा फनी दिख रहा है। तो वैसे घर पर पहुँचने के बाद मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं आगे कुछ शूट करूँ, खाना वाना खा के हम लोग बस लेट नहीं आ गए और यहाँ पे अपना फेस और हैंड दिखा रही है, इसका ठंडी में यही होता है, पूरा कलर चेंज हो जाता है। तेरी मम्मा को हाय बोलते वीडियो भेजूंगी, बोल हाय मम्मा, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना तुमको गन पॉइंट पे सिखा रही हूँ। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।